How fix Samsung Note 3 Neo keeps losing internet connection problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Samsung के डिवाइस में इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. अगर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे बार बार जो है लॉस हो जाते हैं, ठीक है, बार बार डिसकनेक्ट होते हैं, तो कैसे फिक्स कर सकते हैं. इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो आप इस वीडियो को देखें, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके मदद से आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे. वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा. और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सिम कार्ड को एक बार इंसर्ट यहाँ पे इजेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है. तो इजेक्ट करने के बाद दोस्तों, मोबाइल रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद री इंसर्ट कीजिए अपने सिम कार्ड को. तो अच्छे से आपको प्लेस करना है सिम स्लॉट में अपना सिम कार्ड और उसके बाद इंसर्ट कर देना है. उसके बाद चेक करके देखें दोस्तों, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं ठीक है, अगर आपको दोबारा से सेम प्रॉब्लम है तो फ्लाइट मोड को इनेबल कर दीजिए और एक मिनट वेट करने के बाद इसको डिसेबल कीजिए. एंडेंट मोबाइल नेटवर्क पर जाए, नेटवर्क मोड को यहाँ पे स्विच कीजिए. पहले 3G को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद 4G, ठीक है. 5G का नेटवर्क आपको अच्छा नहीं मिलेगा. उसके बाद जाइए दोस्तों एक्सेस पॉइंट नेम पे और 3 डॉट्स में क्लिक करके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके आपको रीसेट पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है. उसके बाद दोस्तों बैक करें, मोबाइल को रिस्टार्ट करें, या फिर आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर आपको दोबारा से प्रॉब्लम आते हैं तो नेटवर्क को आप यहाँ पे मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके देखें. इस बटन के मदद से दोस्तों आप जो है नेटवर्क को मैन्युअल भी यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. साथ ही साथ दोस्तों, अपने नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कीजिए. उसके लिए जनरल मैनेजमेंट पे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा रीसेट, रीसेट नेटवर्क सेटिंग एंड एंड रीसेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है. रीसेट पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल पासवर्ड भर दीजिए और यहाँ पे आप सिम भी सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए दोस्तों, आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा. तो इस तरीके से कीप्स लॉजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. अगर दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर करना, ठीक है. सॉफ्टवेयर अपडेट देने से दोस्तों इस तरीके का जो प्रॉब्लम है नहीं होगा आपकी डिवाइस में. तो सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर से कीजिए. और कभी कभार दोस्तों सर्वर के इशू की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है. तो आप थोड़ा सा अगर वेट करते तो अपने आप ही प्रॉब्लम कई बार सॉल्व हो जाते. तो सर्वर की वजह से इशू आ रहा है तो डेफिनेटली वो अपने आप फिक्स होगा. लेकिन कई बार दोस्तों हमें मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम आते हैं तो मोबाइल पर सॉल्यूशन करना पड़ जाते हैं, ठीक है. तो ये सारे सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा. उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.